गुड इवनिंग वन एंड ऑल, आप देख रहे हैं साइको सॉल्यूशन विद डॉक्टर अनुज रस्तोगी एंड डॉक्टर कशिका जैन। मैं हूं आपके साथ प्रीति। एज यू नो, वी आर लाइव ऑन फेसबुक और हम हैं यहाँ पर आपको अवेयर करने के लिए साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के प्रति, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सोसाइटी में साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जिनके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। सिर्फ इसीलिए हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है ताकि हम आपको अवेयर कर सकें। और आज का हमारा ये एपिसोड डिपेंड करता है एंटी सोशल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनमें कुछ अलग तरीके का बिहेवियर देखने के लिए मिल रहा है। स्कूल में जाते हैं कुछ अलग बिहेव करते हैं, घर में होते हैं या कोई रिलेटिव आता है तो वो कुछ अलग तरीके का बिहेव करते हैं। अब आप ये सोचते हैं कि हमने तो बच्चे को ऐसा कुछ नहीं सिखाया, फिर भी बच्चा कुछ अलग बिहेव कर रहा है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे डॉक्टर अनुज रस्तोगी से, जो कि शहर के जाने माने डॉक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। इसके साथ ही साइकोलॉजिकल पैटर्न पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर कशिका जैन, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आज का जो हमारा ये एपिसोड है वो एंटी सोशल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन की हम बात कर रहे हैं, तो आपके पास किस किस इश्यूज को लेकर जो है पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेकर? देखिए, स्पेसिफिकली बिहेवियर को लेकर तो ज़्यादा पेरेंट्स नहीं आते हैं, खासकर इतने छोटे बच्चों में, क्योंकि वो सोचते हैं बच्चा नॉटी है, ऐसे तो बच्चे करते ही हैं। बट जैसे किसी भी बुखार को लेके या किसी और बीमारी की वजह से आते हैं तो ज़रूर वो बिहेवियर भी डिस्कस करते हैं, ये तो है ही, सब पेरेंट्स करेंगे। जैसे कुछ बच्चे लड़ाई बहुत करते हैं, चिल्लाते बहुत हैं, या दूसरे बच्चों को धक्का दे देंगे, दूसरे बच्चों के साथ उन्हें हिट करेंगे। पेरेंट्स को ये चीज कॉमन लगती है, घर में अगर भाई बहन भी है तो उनको कॉमन सा लगता है कि भाई बच्चे ऐसे शरारत करते हैं। शरारत करना एक लिमिट तक सही है, बट कुछ बिहेवियर बिल्कुल इंटॉलरेबल हैं और उसके साथ आगे वो एक दीवार पे लिखी लाइन नजर आ जाती है कि आगे चल के और गड़बड़ हो जाए। तो जैसे अभी मेरी भतीजी थी, वो स्कूल में एक बच्चा उसकी सुनता नहीं था तो उसे बाइट कर लेती थी। अब 2-3 बार उसने बाइट करा। हाँ जी। अब ये दिस इज नॉट परमिटेड ना, आप कोई किसी के बच्चे को काट रहे हो आप, और किसी की पेंसिल उठा के रख ली, सपोज आपने किसी का डब्बा उठा लिया या किसी के टिफिन में से छीन के उसका खाना खा लिया, तो ऐसा कुछ बच्चे थोड़े अंदरूली होते हैं, ऐसा करते हैं बिहेवियर। कुछ थोड़ा बहुत बिहेवियर तो दैट इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि उस समय बच्चा, जो खासकर अगर हम प्री स्कूल बच्चे की बात करें, 2-3 साल की बच्चे की बात करें, तो वो एक इंडिपेंडेंट, अपनी इंडिपेंडेंस डेवलप कर रहा होता है, उसे अपने डिसीजन लेने सीख रहा होता है, तो बड़ा इंजॉय करता है। बट एक लिमिट में ही ना, और अगर आगे ये बिहेवियर खराब ही हो रहा है। अच्छा, कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, अच्छा पेरेंट्स उसे इंजॉय करने लगते हैं, या जो चाचा हैं या रिलेटिव्स हैं वो उसे इंजॉय करने लगते हैं, तो बच्चे को इतनी समझ नहीं होती ये बिहेवियर मेरा मतलब इंजॉय कर रहे हैं और ये बिहेवियर सही नहीं है, तो ऐसा वो फिर उसे दोबारा करना शुरू कर देते हैं। तो और कुछ एक आजकल जो वैरायटी है, जब सीनियोनेटल इंटेंसिव केयर बहुत बेटर हो गई है, तो हम छोटे बच्चे भी लर्निंग डिसऑर्डर्स के देख रहे हैं, खासकर ADHD वाले, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, जो कि बहुत हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, उनमें ये रफ एंड टम्बल बिहेवियर जो है बहुत कॉमन है, जिसके अंदर वो उनके अंदर ऐसा लगता है जैसे कोई फीलिंग ही नहीं है, किसी को हर्ट कर दिया, और वो रिप्रकशंस भी नहीं, वैसे तो नॉर्मल है, 5 साल तक के बच्चा ज़्यादा अपने बिहेवियर का रिप्रकशन नहीं सोचता है, क्योंकि उसकी जो ब्रेनिंग फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसकी वायरिंग इस तरह से हुई हुई है कि वो ये समझ ही नहीं पाता कि क्या गलत है क्या सही है, या मेरा ऐसा करने से क्या नुकसान हो जाएगा। बट जो ADHD वाले हैं वो बिल्कुल ही अनरूली होते हैं, डिफाइंड रहते हैं, तो वो काफ़ी बच्चों को दुखी कर सकते हैं, दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, सामान तोड़ते हैं, तो काफ़ी कॉमन है बच्चों में, कॉमन चीज़ें हैं ये बच्चों में। तो पेरेंट्स, जैसे कि आपने सुना कि सर ने बताया कि बच्चों में ये प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ इस तरीके का बिहेवियर आपका बच्चा कर रहा है और आपके पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो आप सीधे हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, उसका आंसर हम आपको साथ के साथ ही देंगे। मैम, इसके बाद आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि सर ने बताया कि ये प्रॉब्लम्स बच्चों में देखने के लिए मिल रही हैं, अब जैसे पेरेंट्स को, जैसे आज के टाइम में 2 साल के या 4 साल के बच्चा जो है वो स्कूल जाता है, तो टीचर्स भी कई बार शिकायत करते हैं कि बच्चे ने स्कूल में ये किया है, तो इस तरीके को पेरेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे को, क्योंकि छोटा बच्चा है वो नहीं समझ पाता, तो किस तरह की प्रैक्टिस पेरेंट्स को अपनी हैबिट में लानी चाहिए?
क्योंकि सबसे पहले तो यही बड़ी गलत फहमी है कि छोटा बच्चा नहीं समझ पाता. छोटा बच्चा हमसे ज्यादा समझदार होता है, वो अच्छे से समझ सकता है. पहली बात यह है कि अगर पेरेंट्स उसको ये एक्सप्लेन करते हैं कि रूल्स क्या हैं, क्योंकि हर जगह के रूल्स अलग होते हैं. घर में बिहेव करने के रूल्स अलग होते हैं, स्कूल में बिहेव करने के अलग होते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में या कहीं भी. क्योंकि बच्चा छोटा है तो उसको आपको नॉर्म्स समझाने होंगे, तभी वो उन नॉर्म्स में फिट होकर अच्छे से बिहेव कर पाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे भारत में अगर हम पब्लिकली किसी भी तरीके की इंटीमेसी शो करते हैं तो वो एक क्राइम की तरह लोग देखते हैं. बट आप किसी फॉरेन कंट्री में चले जाइए, वहाँ पर ये खुला है, तो वहाँ पर इसको एंटी सोशल बिहेवियर नहीं कहा जाएगा जो यहाँ पर इंडिया में उसको कहा जाएगा. सो ये है कि रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, अगर ये पेरेंट्स बच्चों को क्लियर नहीं करते हैं. क्योंकि बहुत सारे बिहेवियर जो बच्चा मजाक मजाक में किसी को देखकर कॉपी करता है, तो कई बार पेरेंट्स उसे या तो इग्नोर करते हैं या उसे एक साइलेंट एक्सेप्टेंस दे देते हैं, या कई बार उसे अप्रिशिएट भी करते हैं, मतलब उसे ट्रस्टी इशू की तरह देखते हैं. अरे मेरा बेटा तो सबसे जीत कर आया है, डांट कर आया है, ये तो चाहे कितने भी हो सबको ठीक बना देता है, वगैरह वगैरह इस तरीके से. लेकिन बाद में वही प्रॉब्लम क्रिएट, बाद में वही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. सो जो कंडक्ट डिसऑर्डर्स हैं, ये जो बिहेवियर प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं जो मेरा मानना है साइकोलॉजिकली, ये पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा कमी एक रह जाती है, लैकुना रह जाता है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर ये बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो है ना देखने के लिए मिलती हैं. अब देखिए छोटा बच्चा है, उसकी साइकोलॉजी कहाँ से डेवलप हो रही है, वो कहाँ से अपना माइंड बना रहा है, वो फैमिली में जिस एनवायरनमेंट में रहता है जहाँ पर वो देखता है. अगर सपोज कीजिए अब कुछ भी हो सकता है ना, छोटी से छोटी चीटिंग या कुछ झूठ बोलना भी, ये भी एंटी सोशल में हम वो कर सकते हैं, किसी को मारना, हिट करना, किसी का कोई सामान उठाना. तो बच्चे के उम्र के अनुरूप जो है वो सारे के सारे बिहेवियर, क्योंकि छोटा बच्चा है, कोई बहुत बड़े बड़े क्राइम तो करेगा नहीं, बड़ी बड़ी शरारतें करेगा नहीं, वो जो छोटी जो है ना प्रॉब्लम्स उसके अंदर आ रही है, उसको फैमिली से कितना सपोर्ट मिल रहा है उस बात पर निर्भर करेगा कि वो उसका बिहेवियर कंटिन्यू करेगा या उसका बिहेवियर क्विट कर देगा. अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राथमिक पाठशाला जो है ना घर ही होता है, सो वहीं से व्यवहार की जो पाठशाला है वो घर है. सपोज कीजिए बच्चा देख रहा है अपने घर में कि मेरे मदर फादर या कोई भी मेरा जो बड़े लोग हैं वो छोटी छोटी बात पर चिल्लाते हैं और मारने मरने की बातें करने लगते हैं, तो बच्चे ने वहां से वो बिहेवियर कॉपी कर लिया. बच्चे के अंदर फिल्टर तो है नहीं, ठीक है. अब बच्चे ने वो बिना फिल्टर के कोई चीज अंदर आ गई, तो जो चीज अंदर है, जो इन्फॉर्मेशन अंदर गई है, उसी के बेसिस पर थॉट आएगी बच्चे को. अब वो मासूम सा छोटा सा बच्चा है, उसको यही थॉट आया, अच्छा उसको एकदम से पीछे से मेमोरी का रिफ्लेक्शन हुआ कि मेरे दादाजी की उस दिन किसी से वो बात हो गई थी तो ऐसे भड़क रहे थे, उन्होंने बोला था उसे मार देंगे कर देंगे, वहीं से बच्चे कहीं ना कहीं अब्यूसिव लैंग्वेज भी बच्चे ने बिना फिल्टर लगाए या तो मारना पीटना नोचना शुरू कर दिया या गाली देनी शुरू कर दी या उसको टीज करना शुरू कर दिया, उसका कोई सामान छुपा दिया वगैरह वगैरह, किसी भी तरीके से कर सकता है. तो मेनली जो ये एंटी सोशल बिहेवियर इतने छोटे बच्चों में देखा जाता है वो एक तो पेरेंटिंग का, दूसरा ये है कि प्रीति अगर बच्चे का कोई बुरा एक्सपीरियंस हो, मान लीजिए छोटा बच्चा है बाहर खेल रहा है और उसको किसी ने छेड़ दिया, उसके कोई बार गाल चूटता है या उसको धक्का दे देता है या कुछ है, तो वो सिर्फ अपने डिफेंस में भी एंटी सोशल हो सकता है. जरूरी नहीं है कि उसने पेरेंटिंग का रिपोर्ट हो सकता है उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हो और उसके बेसिस पर वो मजबूर हो गया हो, सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो शील्ड बनाने के लिए उसने एकदम से एग्रेशन शो कर दिया, एकदम से वो अपने आप को बचाने लग गया, ये भी इसके रीजंस हो सकते हैं. कई बार क्या होता है पीयर प्रेशर में भी देख रहा है बच्चा कि मेरे आस पास जो साथ खेलने वाले हैं भाई उसने गुस्सा करा था उसकी जड़ बन गई, तो ये तो बड़ा ही अच्छा बिहेवियर है कॉपी करने का. तो क्योंकि छोटे बच्चे क्या है कॉपी जरूर करते हैं, वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, तो वो ऑब्जर्व करते रहते हैं दूसरे का बिहेवियर, वो देखते हैं जिस भी बिहेवियर को इंपॉर्टेंस मिल रही है उसे फटाक से कॉपी कर लेते हैं. तो अलग अलग रीजंस होते हैं. इनिशियली जैसे ही पेरेंट्स को सिम्टम्स दिखाई दें कि हमारा बच्चा ट्रैक से हटकर कुछ कर रहा है, चाहे वो कोई भी रीजन हो, चाहे वो पेरेंटिंग का वो हो, चाहे वो उसके एक्सपीरियंसेस खराब होने की वजह से हो, चाहे वो कहीं से कॉपी कर रहा हो किसी बेवजह भी, आपको वो जो अलार्मिंग साइन आपको दिख रहा है आप बस वहीं पर अलर्ट हो जाइए और आप अपने बच्चे से बात कीजिए. आप जितना उसके साथ टॉक थेरेपी के थ्रू यानी कि उसे एक एक इशू पर चर्चा करेंगे, उसका माइंड सेट जानेंगे और फिर उसे डिफरेंट ऑप्शंस यानी कि सेम सिचुएशन में अलग अलग तरीके से कैसे वो बिहेव कर सकता था उसको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस देंगे, तो उससे क्या है उसका माइंड खुलना शुरू हो जाएगा. और ये लोग ये हम लोग भी करते हैं, जब हम बच्चों की कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करते हैं तो वो
एक सिचुएशन को हम उनको कम से कम 7-8 तरीके से सोचना बताते हैं कि आप ये करते हैं तो इसकी वजह से आपके अंदर ये इमोशन आते बेटा, और इस इमोशन की वजह से आपका बिहेवियर ऐसा भी हो सकता था। तो ये काम बच्चों से आप घर पर भी कर सकते हैं, बिकॉज बच्चे के अंदर अभी फिल्टर नहीं है। आप जैसे सुना भी होगा ना कि छोटा बच्चा एक कच्ची मिट्टी के समान है, कुम्हार जैसे चाहे वो शेप दे सकता है, तो आप उसके विचारों को दूसरी शेप देकर उसका जो एंटी सोशल बिहेवियर है वो नेशनल स्टेज पर ही कंट्रोल कर सकते हैं। बट यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम इन योर चिल्ड्रन। यस, बट जैसे कि मैम ने बताया कि टाइम आपको इन्वेस्ट करना है अपने बच्चे के साथ, और उसके साथ ही दूसरी बात यह है कि आपको उनके माइंड को ट्रेन करना है कि वो हर सिचुएशन में अपने आप को एक मजबूत पाए, कि अगर कोई भी सिचुएशन उनके साथ होती है वो आपके साथ आकर शेयर करें। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपने बच्चे को टाइम देंगे, उसकी हर बात को सुनेंगे, और फिर देखिए आपका बच्चा कोई भी एंटी सोशल बिहेवियर नहीं करेगा। ये प्रोग्राम हम सिर्फ इसलिए लेकर आते हैं ताकि आप अवेयर हो सके। पेरेंट्स, हम सिर्फ आपको अवेयर करना चाहते हैं। इसके साथ ही आप जैसे तारा किड्स पेज पर जाकर कुछ वीडियोज भी देख सकते हैं, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि बच्चों में आजकल कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिल रही हैं और उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है। इसके बाद सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या बच्चों को मेडिसिन भी दी जाती है अगर कोई बच्चा एंटी सोशल बिहेवियर करता है? और कुछ बच्चों को जैसे ADHD वाले बच्चे हैं या काफी खराब अनरूली बच्चा हो गया है तो हम मेडिसिन भी यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि मेडिसिन नहीं यूज करते, बट बाई एंड लार्ज हम मेडिसिन नहीं यूज करना चाहते, बिकॉज इट इज मोर ऑफ ए साइकोलॉजिकल एंड पेरेंटिंग प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ तो इसमें जेनेटिक्स का भी रोल है, बट जो चीज अनमॉडिफाइबल है उसे तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो मॉडिफाइबल है, जो आपके हाथ में है, जो हमारे मेडिकल में प्रोफेसर थे वो हमेशा हमें टीच करते थे, बेटा आप उन फैक्टर्स पे ध्यान दो जो मॉडिफाइबल है, जो ट्रीटेबल है। जो चीज आप चेंज नहीं कर सकते, अब आप किसी की हाइट तो बढ़ा नहीं सकते या किसी की शक्ल नहीं चेंज कर सकते आप, मतलब जितना आप उन्हें काउंसिल करके, जैसे मैं पेरेंट्स को हमेशा बोलता हूँ देखो नेगेटिव बिहेवियर नहीं। अब जैसे फादर है थोड़ा एरोगेंट है या मदर है थोड़ा एरोगेंट है, वो अगर फादर से लड़की बोलेगी या फादर मदर से लड़की बोलेगा तो बच्चे को ये आफ्टर ऑल ये नॉर्मल बिहेवियर लगने रहेगा, या वो अपसेट हो गया एग्रेसिव हो जाएगा। तो बच्चे इन चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करते हैं और वो उसको एक वीसियस साइकिल में फंस जाते हैं। वो पहले घर में खराब बिहेवियर देखते हैं, फिर वो बाहर जाके और बच्चों के साथ वैसे बिहेवियर करते हैं तो बच्चे उन्हें और इरिटेट करते हैं। तो जो बच्चों से वो अच्छी बातें सीखते हैं वहाँ वो उसकी जगह खराब बातें होने लगती हैं। और एक समय ऐसा आता है जब ये बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो म्यूचुअल अवॉइडेंस हो जाती है। पेरेंट्स सोचते हैं कि बदतमीजी करेगा इससे बोलो मत, और बच्चा ये सोचता है कि मुझे डांटेंगे फटकारेंगे, वो कट ऑफ होने लगते हैं। बॉन्डिंग जो उनके बीच में डेवलप होनी चाहिए वो बॉन्डिंग खत्म हो जाती है। और बच्चा सिचुएशन हमें फील होती है कि अगर पेरेंट्स ने टाइम इन्वेस्ट किया होता अपने बच्चे के साथ तो उसको इंटरेस्ट के रूप में मिल जाता। आप शुरू में तो बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हैं, डांट के उसको सप्रेस कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में इसका कोई फायदा नहीं। देखिए आपको उसको सुनना होगा पेशेंसफुली, आप उसकी बात सुने और आप उसको जैसा कि डॉक्टर कशिका ने बताया कि उसे डिफरेंट सिचुएशंस को टैकल कैसे करना है, व्हाट आर द ऑप्शंस। जैसे आप एक स्टोरी पढ़ें कोई, चाहे जिसमें गुस्सा हो या इस तरह की स्टोरी, बच्चे के साथ बैठ के पढ़ें और सिचुएशंस बताएं कि ऐसा हुआ कि उसकी पेंसिल ले ली तो उसमें कैसे रिएक्ट करना है। ये नहीं कि आप दूसरे का कपड़े फाड़ दो इस बात के लिए, उसे धक्का दे दो, या उसको कैसे टैकल करना है, उसे उसके दिमाग में ना वो फीडबैक होना चाहिए कि हमें ऐसे करना है। देखिए हम जो भी कुछ करते हैं, हम एक हमारा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस होता है, वो जो हमारे दिमाग में भरा है वही तो करेंगे ना। तो ऐसे ही उस बच्चे को अगर ये पता है कि इस बात के लिए किसी को झापड़ नहीं लगाना है तो वो झापड़ नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा। तो वो ये चीज पहले से उसको इनकलकेट करनी पड़ेगी, उसके दिमाग के अंदर एक उसकी कंडीशनिंग करनी पड़ती है कि ऐसा हो तो बेटा ऐसा कर लेना। अब जैसे रोड पे अक्सर देखने को मिलता है जैसे बड़े लोगों में कि रोड साइड रेस, कोई कार से स्कूटर टकरा गया और उनमें ऐसी हथापाई हुई, गोली चल गई, व्हाट इज दैट? क्योंकि उनके दिमाग में इतनी एरोगेंस, इतनी वायलेंस भरी हुई है कि वो उसे इतनी सी बात के लिए, गलती तो किसी से भी हो सकती है, कोई जानबूझ के तो किसी को टकराएगा नहीं। अगर टक्कर लग भी गई, और मैं कह रहा हूँ अगर जो कार टूट भी गई तो कार वापस तो नहीं आ रही ना आपकी, बट वो उससे इतना खराब बिहेवियर वो करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बचपन से ऐसी कंडीशनिंग रहती है। तो मैं पेरेंट्स को ये बताता हूँ कि डांटना फटकारना और बहुत ज्यादा रफ बिहेवियर बच्चों के साथ करके आप इनिशियली तो उन्हें चुप कर लेते हो, बट उन्हें जो चीज आप मॉडिफाई करना चाह रहे हो वो नहीं कर पाते। आप उन्हें एक रॉन्ग बिहेवियर
लेसन दे दी, तो जो आगे चल के वो और लोगों के साथ रॉन्ग बिहेवियर करने लगते हैं, क्योंकि अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा प्रेशर करते हैं और फिर जब वो प्रेशर हट जाता है तो वो बहुत वायलेंट। मुझे लगता है कि जैसे ना अगर हर चीज एक्सप्लेन करी जाए बेटा इसका रिप्रिकॉशन ये, बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, और ये चीजें ना छोटे बच्चों को ना उनका टेंशन स्पान बहुत ज्यादा नहीं होता जी। जैसे मैं पेरेंट्स को बताता हूँ कि देखो मैं अगर आपसे कोई रफ बात बोल दूंगा तो आपको जीवन भर याद आएगी, बट मैं अगर आपके बच्चे को अभी मैं पुश कर दूंगा हिट कर दूंगा तो ये रोने लगेगा, और उसके बाद में से एक टॉय दे दूंगा तो ये चुप हो जाएगा और ये भूल जाएगा मैंने उसके साथ कुछ करा था। तो उनका टेंशन स्पैन छोटा होने की वजह से छोटा है, तो आपको उनको ये चीजें जो आपको उनके अंदर कमी दिख भी रही है तो आपको रिपीटेडली डेली एक आध बार उसको बतानी पड़ेगी, बेटा ऐसे बिहेव नहीं करते, बड़ों से ऐसे नहीं बोलते हैं, गाली नहीं देते हैं। तो अगर आप ऐसे पेशेंसफुली प्यार से अगर अपने बच्चे को चेंज करोगे तो वो चेंज 100% हो जाएगा। और कुछ जगह जैसे टेम्पर टेंट्रम्स हैं तो वो प्रिडिक्टेबल होते हैं ज्यादातर, आपको पता है बच्चा कब फैल जाएगा। अब जैसे सपोज आप दुकान पे शॉपिंग करने जा रहे हो और वहाँ टॉयज भी होंगे और आपको टॉयज नहीं खरीदने, आपको खरीदना है मान लो ग्रॉसरी का सामान या कुछ और खरीदना, तो आप पहले अपने बच्चे को प्राइम करके ले जाओ। प्राइम का मतलब उसे पहले बता के ले जाओ, देखो बेटा आज टॉय नहीं खरीदना है, टॉय हमने उस दिन खरीदा था या हम उस दिन खरीदेंगे, आज मैं ये शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो चांसेस ये है कि वो दुकान पे जाके फैल नहीं जाएगा, ये नहीं कि वो फैल जाएगा बिल्कुल जी। मैम जैसे कि सर ने बताया कि पहले से ही आप बच्चे को समझा के चलिए, और उससे पहले भी आपने कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में बताया, क्या कुछ ऐसी थेरेपी आप हमें बता सकते हैं कि पेरेंट्स उसको घर में ही प्रैक्टिस करें और बच्चा जो है वो एंटी सोशल बिहेवियर जो है वो करना बंद कर दे? देखिए पेरेंट्स के लिए जो थेरेपी है जो घर में वो यूज कर सकते हैं वो सबसे इजी थेरेपी, जिसका भी मैंने नाम भी लिया था टॉक थेरेपी, यानी कि बातचीत करना। आजकल के परिवारों में जो कम्युनिकेशन है वो कम हो गया है, और जो कम्युनिकेशन है वो भी क्या है कि लिमिटेड, मतलब इतना हो गया है कि सिर्फ पढ़ ले, टीवी मत देखो, ये खा ले, वो खा ले, ये कर गया है। सो इससे क्या होता है, बच्चा ना पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता और आप भी अपना मैसेज पूरी तरह से कन्वे नहीं कर पाते। तो जो टॉक थेरेपी होती है वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि उसमें नेचुरली, क्योंकि नाम भी बता रहा है टॉक, बात करनी है, ठीक है। और इसमें ना आप थोड़ा सा एक्ट भी शामिल कर सकते हैं। टॉक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप वर्बली चालू हो जाए, क्योंकि छोटा बच्चा है, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं 2 से 5 साल के बच्चों में ज्यादा आप ये बिहेवियर प्रॉब्लम्स देखते हैं, तो ऐसे बच्चों को स्टोरी सुनने में बहुत मजा आता है। तो जब आप टॉक थेरेपी दे रहे हो तो कोई स्टोरी से भी उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर, जैसे पहले के टाइम में दादा दादी स्टोरी सुनाते थे, लेकिन अब वो कल्चर बिल्कुल खत्म, पंचतंत्र की इतनी कहानियां थी उसमें सब में एक मॉरल लेसन होता था, तो उससे बच्चा समझता था, एक राइट मैसेज उसको कन्वे होता था। इसी तरीके से आप बच्चे से ना किसी भी तरीके का रोल प्ले भी करवा सकते हैं। आजकल रोल प्ले से बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं, बिकॉज उसमें उन्हें फिजिकली इन्वॉल्व होने का मौका मिलता है। उनको वो रोल दीजिए कि इस तरीके से एक सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन पिक कर लीजिए, और उसमें कि एक बच्चा इस तरीके से बिहेव कर रहा है, दूसरा बच्चा इस तरीके से बिहेव कर रहा है, और जो बच्चा नाइसली बिहेव कर रहा है उसको एक्सेप्टेंस और एप्रिसिएशन ज्यादा मिल रहा है। तो आप किसी भी तरीके से, क्योंकि आपको अपने बच्चे का इलाज जरूर पता होता है कि आपका बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, या उससे गेम्स खेलते खेलते आप बात करते रहिए, कैसे कि मम्मी अपने बच्चे को जरूर पहचानती exactly. है। और इसी के साथ साथ एक स्लीप प्रोग्रामिंग होती है जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, और ये स्लीप प्रोग्रामिंग बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। इसको सुबह बच्चे को जब आप उठाएं, यानी कि उठाने के 5 मिनट के अंदर जब वो पूरी तरह से कॉन्शियसनेस में आ रहा हो, और रात को जब वो पूरी कॉन्शियसनेस को लूज करना हो, यानी कि उसको इस तरीके से नींद आनी शुरू हो जाए, जब वो आपसे कहने लगे मम्मी मुझे सुला दो वाला फेज आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही स्टेज पर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, और उसकी प्रोग्रामिंग बहुत आसानी से की जा सकती है। अब देखिए नॉर्मली बच्चा एंटी सोशल बिहेवियर कर रहा है तो इसका मतलब एग्रेशन तो उसके अंदर है ही, यानी कि वो डिसओबे तो कर ही रहा है, वो हर्ट तो कर ही रहा है, तो आप ये चाहते नहीं है। तो पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो उसको सजेशन वो देते हैं जो वो बिहेवियर नहीं चाहते, इसे तो बहुत गुस्सा आता है, ये तो बदतमीजी से कभी भी किसी से लड़ भिड़ जाता है, बोल देता है, ये करता है, यानी कि नेगेटिव सजेशंस जो आप एक्चुअल में डिलीट करना चाहते हैं आप उसे जाने अनजाने रीइंफोर्स करते रहते हैं। अब आपको क्या करना है, उन्हें रिप्लेस करना है पॉजिटिव सजेशन से, कि अगर ये गुस्सा करता है तो ये शांत है। तो रात को सोते वक्त और सुबह उठाते वक्त अपने बच्चे को जब आप एक गुड नाइट या गुड मॉर्निंग किसते हैं तो उसी के साथ उसे अफर्मेशन से उसका सबकॉन्शियस प्रोग्राम करें कि बेटा आप तो बहुत ही काम रिलैक्स हो, आप तो बहुत नाइसली बिहेव करते हो, आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा, बहुत कामली सिचुएशन को हैंडल करोगे, बहुत अच्छे से बिहेव करोगे।
मतलब 3-4 अफर्मेशंस एट अ टाइम आप जो है ना उसको लेकर रिइंफोर्स करें फॉर 21 डेज गारंटेड. अगर आप कोई भी अफर्मेशन 21 दिन तक अपने बच्चे के अंदर इसी तरीके से डालेंगे तो उसका बिहेवियर 100% 99.9% मॉडिफाई हो जाएगा. बिकॉज पेरेंट्स आपको इस टेक्निक पर बिलीव इसलिए करना पड़ेगा, हमारा माइंड जो वास्तविक और काल्पनिक अनुभव में भेद नहीं कर पाता. तो आप अपने बच्चे को आप पॉजिटिव अफर्मेशन बार 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 एक ब्लेसिंग के रूप में दे रहे हैं तो उसका माइंड सेट ना वैसा ही हो जाएगा, उसकी इमेज उसके अंदर वैसी ही बन जाएगी. जब तक आप उसकी बुली इमेज बनाएंगे तो वो क्या है, उस बुली इमेज को जस्टिफाई करता रहेगा. पर आप चाहते तो उसकी काम इमेज है, आप चाहते तो वेल मैनर्ड बच्चा है, बट आप सजेशन उसे बिल्कुल अपोजिट दे रहे हैं. तो कैसे आपको वो मिलेगा? तो आपको ये स्लीप प्रोग्रामिंग और टॉक थेरेपी के थ्रू आप घर पर ही काफी हद तक अपने बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं. फिर भी ना कंट्रोल कर पाए तो मैं कहूंगी कि देखिए, कोई भी इमारत एकदम नहीं गिरती है. वो पहले ना दरारों के रूप में संकेत देती है कि मुझे बचा सकते हो तो बचा लो. Yes. और अगर आप उन दरारों को नहीं भरते हैं तो वो झरझर करके गिरती है. तो इसी तरीके से बच्चा जब छोटा होता है तो आपको कुछ संकेत देता है कि मेरे को संभाल लो, या तो आप या किसी और से संभलवा लो, नहीं तो मैं एक दिन फिर पूरा का पूरा वायलेंट हो जाऊंगा. Yes. तो अगर आपको लगता है आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप जिस भी डॉक्टर पे साइकोलॉजिस्ट पे ट्रस्ट करते हैं जरूर सलाह लीजिए. और क्योंकि बच्चे 8 साल से छोटे बच्चे बहुत जल्दी मॉडिफाई हो जाते हैं. Yes. क्योंकि उनका फिल्टर उस टाइम डेवलप हो रहा होता है. तो उनको ना चेंज करना, उनके थॉट प्रोसेस को चेंज करना कंपैरेटिवली जो बड़े बच्चे हैं बहुत आसान है. लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये चीजें लगती है कि वो कैसे इसको टैकल करेंगे. नॉर्मल लेते हैं ना इस बात को. ठीक, नॉर्मल तो इसको बड़ा प्रेस्टीज, कुछ मैं कास्ट नहीं लेना चाहूंगी, बट कुछ कास्ट ऐसी है हमारे भारतवर्ष में जो इस चीज को तो बहुत ही अच्छा मानती है. Yes. वो तो कहती है हमारा है खून है, ये है वो है, तो ये तो इसके खून में है जी. ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना. Yes. तो वहां से वो कैसे सुधरेगा. Yes. जब वो देख रहा है पिताजी की एक्सेप्टेंस की, बेटा ठीक है ओके. तो देखिए पेरेंट्स, ये चीजें आपको अपने बच्चे के माइंड से थोड़ा अलग करनी है. जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बोला था कि बच्चों के माइंड को ट्रेन करना है और वो आप ही ट्रेन कर सकते हैं. जैसा बिहेवियर आप उनके सामने करेंगे वैसा ही बिहेवियर वो करेंगे. और जितना टाइम आप अपने बच्चे को देंगे उतना ही आपका बच्चा सोशल भी होगा. आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमने बात की एंटी सोशल बिहेवियर जो बच्चों का होता है 5 इयर्स तक के. नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एंटी सोशल बिहेवियर इन एडोलेसेंट. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी इश्यू है तो आप हमें पहले से भी क्वेश्चन भेज सकते हैं या फिर आप हमें लाइव देख सकते हैं 6:30 PM से. इस टॉपिक पर हम आपसे यहाँ पर बात करेंगे. थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छे अच्छे सजेशन हमारे पेरेंट्स को दिए. थैंक यू सो मच सर कि आपने इस थेरेपी के बारे में हमें समझाया, जो इश्यूज हैं उनके बारे में पेरेंट्स को अवेयर किया. क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि ये तो एक नॉर्मल सी चीज है और बच्चे इस बिहेवियर को करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है. तो पेरेंट्स, आज के हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीक. टिल देन यू टेक केयर. बाय बाय.